अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनाया जी। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हाँ जी, तो आज हम लोग बनाने लगे हैं पराठा रोल HFC स्टाइल में। मैं आप लोगों को पराठा रोल घर में बनाने का आसान तरीका बताऊँगी। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 टी स्पून दाड़ा मिर्च, 2 टी स्पून मैंने ले ली है टिक्का मसाला, 1 टी स्पून मैंने ले लिया है चिकन पाउडर और 1/2 टी स्पून मैंने ले लिया है नमक। साथ मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन 3 पाव, 2 जवे मैंने ले लिए हैं लहसुन के और एक छोटी सी टुकड़ी मैंने ले ली है अदरक की, जिसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। आप लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो और अदरक लहसुन पाउडर भी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको स्लाइस फॉर्म में हम लोग काट लेते हैं चिकन को जी। तो मैंने काट लिए हैं सारे पीसेस स्लाइस शेप में, देखिए। अब हम इसको करते हैं मैरिनेट। चलिए जी, मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। मैंने डाल दिया है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में डाल दिया है 1 टीस्पून लेमन जूस और साथ में ये मसाले। अब इसको मैरिनेट करके 5 घंटे के लिए हम लोग रख देंगे। हाथ के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाला है अच्छे तरीके से अंदर मिक्स हो जाए गोश्त के। पराठा रोल बनाने के लिए अब मैं गूंद लेती हूँ आटा। आटा मैंने गंदम का नहीं लेना, ये मैंने मैदा लिया है 1 किलो। इसमें मैंने डाल लिया है 1 स्पून नमक, 1/2 स्पून हम इसमें डालेंगे घी और हमने पानी लेना है नीम गरम। इसको अच्छे तरीके से हम लोग गूंद लेते हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने ढीला ही गूंदना है, ज़्यादा जो है सख्त आटा नहीं गूंदना। इसी के जो पराठे हैं वो बड़े हार्ड से बनते हैं, तो नरम आटे के जो हैं वो अच्छे बनते हैं पराठे। आटा मैंने गूंद दिया है, अब हम इसको डाल देते हैं किसी एयरटाइट डब्बे में और इसके ऊपर लगा देंगे हम थोड़ा सा घी और आधे घंटे के लिए हम लोग इसको रख देंगे ताकि आटा जो है सेट हो जाए। हाँ जी, तो पराठा रोल के लिए हमने जो चिकन मैरिनेट किया था उसको हो गया 5 घंटे कंप्लीट। अब मैं इसको पका लेती हूँ। तो पकाना इस तरीके से है कि लो फ्लेम भी हम लोगों ने रखना है। इसी तरीके से हम लोगों ने बिना पानी लगाए जब सारे पीसेस इसमें डाल देने फ्राई पैन में और हिलाए बगैर हम लोगों ने इसको बनाना है। तो तिक्का फ्लेवर ही लगेगा, तिक्का स्टाइल आ जाएगा। तो इसी तरीके से सारे पीसेस मैं इसमें रख दूँगी। ये तो देखें, सारे जो हैं पीसेस मैंने डाल दिए हैं विदाउट पानी लगाए और ना ही मैंने इसमें घी डाला है। इसी तरीके से हम लोग इसको पकाएंगे। ये तो देखिए, ये हल्के हल्के ब्राउन हो गया, पानी सारा जो था चिकन में खुश्क हो गया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा ऑयल या घी जी। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 चम्मच घी और हम इसी तरीके से इसको पकाएंगे। इसी तरीके से हम लोग इसको पका लेंगे ढके बिना। देखिए लाइट ब्राउन हो रहा है हमारा पेस्ट। हाँ जी, तो हमारी स्लाइसेस हो गए हैं रेडी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो हम जो है पराठा रोल के लिए बनाने लगे हैं वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने डाल दिया हुआ है अंदर थोड़ा सा बटर। साथ ही मैं ऐड करती हूँ इसमें थोड़ा सा लहसुन चॉप किया हुआ जी। तो साथ ही मैंने ऐड कर दिया है मैदा और 2 चिकन क्यूब्स। तो ये हो गया है मिक्स। अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा दूध। थोड़ा सा हम लोग ऐड कर देंगे इसमें नमक। हम इसी तरीके से इसको मिक्स करते हुए बना लेंगे। जब ये थोड़ी थिक हो जाएगी तो हम इसको उतार लेते हैं। देखिए, हाँ जी, तो हमारी वाइट सॉस हो गया रेडी। अब हम इसको उतार लेते हैं जी। तो मैंने बना लिए हैं सारे पेड़े।
और इसके बाद मैंने बेल लिया एक रोटी। रोटी के ऊपर हमने लगाना है घी अच्छे तरीके से, उसके ऊपर आटा फैला देना है इस तरीके से सारे, और फिर इसका हमने पेड़ा बनाना है। इस तरीके से आप लोगों ने पेड़ा बनाना है कि बल ज़्यादा आए। देखिए इसी तरीके से आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। और इसको ऐसे ऐसे हम लोगों ने पेड़ा बना लेना है, और फिर सेट होने के लिए हम 5 मिनट के लिए इन सारे पेड़ों को रख देंगे। देखिए 5 मैंने बना लिए पेड़े। ये टाइम टेकन तो है लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो काम करते हुए भी मज़ा आता है। मैं आपको पेड़ा जो है बनाना सिखा देती हूँ क्लियरली। ये ऐसे बस उठाना है आप लोगों ने, इसको बाल जो हैं वो खुद ही आते जाएंगे। देखिएगा ये देखिए, ऐसे ही आप लोगों ने उठाते रहना और ये बाल बनते जाएंगे। ये देख रहे हैं, बिल्कुल इजी सा तरीका है। ये देखिए जो है इतने बाल बन गए हैं। अब हमने एक फिंगर पे थोड़ा सा रख लेना है इसको, और जो घी वाली साइड है वो अंदर रखनी है। इसी के साथ हम लोगों ने कर्व कर लेना है ऐसे, और ये देखें कितने बाल बन गए हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये दोनों साइडों से कितना बालदार पेड़ा बन गया है। पेड़े एडजस्ट करने के बाद मैंने इसकी बना ली है छोटी छोटी रोटियां। अब मैं इसको बेल लेती हूँ। तो एक बात याद रखनी है, ज़्यादा जो है छोटी रोटियां बनाते हुए हाथ ज़्यादा सख्त नहीं रखने, आप लोगों ने नरम हाथों से इनको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेना है। और जो है पराठा वो भी आपने थोड़ा मोटा रखना है, जैसे बाजारी पराठे होते हैं। इसी तरीके से हम लोग इसको बेल लेते हैं। देखिए ज़्यादा बड़ा पराठा आप लोगों ने नहीं बनाना। हाँ जी, इतना सा पराठा मैंने बना लिया है। अब हम इसको डाल देते हैं तवे पे। अब हमने पराठा बनाते हुए इस पर दोबारा से घी नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोगों ने पराठा बनाते हुए जो पेड़ा बनाते हुए बहुत ज़्यादा घी इसमें लगा लिया हुआ है। अब हम इसको हल्का हल्का सेक लेते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया इसकी साइड चेंज। इसी तरीके से हम सारे जो हैं पराठों को सेक लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमारी हो गई है तैयार। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। ऐसे ही हमने सारे पराठे जो हैं सेक लेने हैं। देखिए ये पराठे हो गए हैं हमारे तैयार। अब हम इसको बना लेते हैं। ये देखिए मैंने काटी है थोड़ी सी बंद गोभी, प्याज, और जो क्यों वो थे 7 चिकन स्लाइसेस जो हमने बनाए हैं, वाइट सॉस है, और ये मायोनीज है। मायोनीज में मैंने ऐड किया है चिकन पाउडर थोड़ा सा, और क्रीम ऐड की है। चलें जी अब बनाते हैं। सबसे पहले इस पे मैंने लगा दिया है मायोनीज, विदाउट मिक्सिंग जो है मायोनीज बाज़ार से जो मिलती है। 3 पीसेस मैंने इसमें रख दिए हैं। साथ ही मैंने इसके लगा दिया है वाइट सॉस इसके ऊपर। थोड़ी सी मैंने लगा दी है बंद गोभी, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी ऐड कर दी है केचप, थोड़ी सी ऐड कर दी है क्रीम, और लास्ट पे मैंने जो जो तैयार किया है मायोनीज वो वाली हमने इस पे लगा देनी है। अब इसको बंद कर लेते हैं। ये देखिए बंद करने का तरीका है, साइडों से हमने थोड़ा सा टर्न कर लेना है इसको जी। ये रैप करने का तरीका हम लोग बताते हैं आपको। ये देखिए ये हमने बना लिया है रोल। देखिए दूसरा जो रोल है वो भी रेडी कर लिया हमने। फिर हम इकट्ठा ही इनको फ्राई करेंगे। देखिए इसको भी हम रैप कर लेते हैं इसी तरीके से। सा घी डाल के अब हम इसको फ्राई करेंगे। हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। ऐसे ही आप लोगों ने साइड चेंज करते रहना है। ये देखिए एक साइड हमारी हो गई है रेडी। अब मैंने साइड इसकी कर दी है चेंज। देखिए इसी तरीके से हम लोग इसको पका लेंगे।
हाँ जी फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया है पराठा रोल रेडी। अब मैं इसको रैप कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से आप लोगों ने बटर पेपर में इसको रैप करना है। हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पराठा रोल की रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।